आजादी का अमृत महोत्सव। आजादी का सफर आकाशवाणी समाचार के साथ। Long years ago, we made a trip with destiny, and now the time comes when we shall redeem our pledge, not wholly or in full measure, but very substantially. At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom. आज की कड़ी में हम देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं, जिनका निधन 27 मई 1964 को हुआ था। जवाहरलाल नेहरू का जन्म 1889 में 14 नवंबर को हुआ था। एक विद्यार्थी के रूप में उनकी रुचि उन सभी राष्ट्रों के स्वाधीनता संघर्ष में रही थी जिन्होंने विदेशी दासता की यातना भुगती थी। उन्होंने आयरलैंड के सिन फिन आंदोलन में गहरी रुचि ली थी। 1912 में वे इंग्लैंड से भारत लौटे और देश के स्वाधीनता संग्राम से जुड़ गए। ১৯১২ में ही उन्होंने एक प्रतिनिधि के रूप में बांकीपुर अधिवेशन में भाग लिया और 1919 में इलाहाबाद में होम रूल लीग के सचिव बनाए गए। 1916 में पहली बार उनकी मुलाकात महात्मा गांधी से हुई और वो गांधी जी से बहुत प्रभावित हुए। 1920 में उन्होंने उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में पहली किसान रैली का आयोजन किया और फिर 1920 से 1922 के दौरान असहयोग आंदोलन के सिलसिले में वो दो बार जेल गए। 1926 में मद्रास सम्मेलन में जवाहरलाल नेहरू ने कांग्रेस को स्वतंत्रता के लक्ष्य की ओर प्रतिबद्ध करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 1928 में लखनऊ में साइमन कमीशन के विरुद्ध प्रदर्शन का नेतृत्व करते हुए उन पर लाठी चार्ज किया गया। 29 अगस्त 1928 को उन्होंने ऑल पार्टी कांग्रेस में भाग लिया। उसी वर्ष उन्होंने भारतीय स्वतंत्रता लीग की स्थापना की जिसने भारत को ब्रिटिश संपर्क से पूरी तरह मुक्त किए जाने की वकालत की। जवाहरलाल नेहरू इस लीग के महासचिव बनाए गए। 1929 में वे इंडियन नेशनल कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन के अध्यक्ष चुने गए जिसमें देश की पूर्ण स्वतंत्रता को लक्ष्य के रूप में स्वीकार किया गया। नमक सत्याग्रह और अन्य आंदोलनों के सिलसिले में 1930 से 1935 के दौरान उन्हें कई बार गिरफ्तार किया गया। 31 अक्टूबर 1940 को पंडित जवाहरलाल नेहरू को द्वितीय विश्व युद्ध में भारत की जबरन भागीदारी के विरोध में सत्याग्रह करते हुए गिरफ्तार कर लिया गया। 7 अगस्त 1942 को मुंबई के कांग्रेस अधिवेशन में उन्होंने ऐतिहासिक भारत छोड़ो प्रस्ताव पेश किया। अगले ही दिन 8 अगस्त को उन्हें अन्य राष्ट्रीय नेताओं के साथ गिरफ्तार कर लिया गया। जनवरी 1945 में जेल से रिहाई के बाद उन्होंने राजद्रोह के आरोपी इंडियन नेशनल आर्मी के अधिकारियों और सिपाहियों के लिए लीगल डिफेंस तैयार किया। 1947 में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री बनाए गए और 1964 में अपनी मृत्यु तक वे इस पद पर रहे। महान भारतीय नेता जवाहरलाल नेहरू को हमारा शत शत नमन। आज हम महान राष्ट्रवादी हुकुम सिंह को भी याद कर रहे हैं, जिनका निधन 27 मई 1983 को हुआ था। हुकुम सिंह ने 1928 में साइमन आयोग के खिलाफ हुए विरोध प्रदर्शनों में भाग लिया। मॉन्टगोमरी में प्रदर्शन करते हुए पुलिस लाठी चार्ज में वो घायल हो गए और उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। साइमन, गो बैक! साइमन, गो बैक! साइमन, गो बैक! हुकुम सिंह का जन्म साहिवाल जिले के मॉन्टगोमरी में हुआ था जो अब पाकिस्तान में है। शिरोमणि अकाली दल के माध्यम से वे राजनीति में आए और 3 वर्ष तक इसके अध्यक्ष रहे। वो मॉन्टगोमरी सिंह सभा के भी सदस्य थे और 3 साल तक इसके प्रमुख रहे। 1924 में उन्हें गिरफ्तार किया गया और 2 साल के लिए जेल भेज दिया गया। विभाजन के बाद अगस्त 1947 में हुकुम सिंह भारत आ गए। अपनी परवाह किए बिना वो लोगों को घरों से निकालकर सुरक्षित स्थान तक पहुंचाने में जुट गए।
लेकिन उनकी प्रतिभा छिपी नहीं रह सकी और जल्दी ही दिसंबर 1947 में उन्हें कपूरथला राज्य उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बना दिया गया। 30 अप्रैल 1948 को संविधान सभा के लिए चुने गए। संविधान सभा के विचार विमर्श में उन्होंने सक्रियता से भाग लिया और केवल एक वर्ष बाद ही उनका नाम संविधान सभा के अध्यक्ष के पैनल के लिए मनोनीत कर लिया गया। हुकुम सिंह 1950 से 1952 तक अस्थायी संसद के सदस्य भी रहे। तीसरी लोकसभा में वे सदन के अध्यक्ष बनाए गए। उनके द्वारा तय नियम और संविधाएं आज भी संसद के कामकाज का मार्गदर्शन करती हैं। 1983 में 27 मई को उनका निधन हो गया। महान देशभक्त हुकुम सिंह को आकाशवाणी समाचार की ओर से भावभीनी श्रद्धांजलि। और अब आकाशवाणी समाचार के साथ आजादी का सफर की ये कड़ी संपन्न होती है। कल फिर मिलेंगे अगली कड़ी के साथ।